से आप सब लोग आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ YouTube के बारे में। अगर आप लोग YouTube पे सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहते हो तो आप लोगों को शुरुआत से क्या करना पड़ेगा। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी YouTube पे तो मैंने रेगुलर वीडियोस बनाए थे, 11-11 सेकंड के, 8 सेकंड के, 9 सेकंड के, 10 सेकंड के, इस तरीके की वीडियोस बनाई थी मैंने। और स्टार्टिंग करी थी तो मैं 11 सेकंड की शॉर्ट वीडियोस बनाता था और उसमें साउंड वगैरह डालता था, रेगुलर वीडियोस बनाता था। मैंने एक दिन में 5 शॉर्ट्स भी डाले। और जब मैंने स्टार्टिंग करी थी मतलब मैंने डेली सब्सक्राइबर्स बढ़ाए अपने चैनल पे, और डेली में 100, 200, 300, 400 सब्सक्राइबर्स बढ़ाता हुआ चलता था मैं। और मेरे एक एक हफ्ते में 3-3 हज़ार सब्सक्राइबर्स भी करे अपने चैनल पे। जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मेरे बढ़ते नहीं थे, लेकिन जब मैं रेगुलर बनाने लग गया तो मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से बढ़ने लगे थे और मैंने एक हफ्ते में 3,000 सब्सक्राइबर्स भी बढ़ाए। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, शॉर्ट के जरिए अपने चैनल पे सब्सक्राइबर्स बढ़ा सकते हो। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को शुरुआत से अपनी फेस वैल्यू बनाते हुए चलना, जिससे लोग आप लोगों को जानने लगे, आपके चैनल को याद रखे। इस चीज पे ध्यान देना है, फेस वैल्यू बनाने पे आप लोगों को शुरुआत से ध्यान देना है। और रेगुलर वीडियोस बनानी है, एक एक हफ्ते में 1K, 2K, 3K ऐसे सब्सक्राइबर्स बढ़ा लोगे आप लोग भी। जैसे जैसे मैंने बताया आप लोगों को वैसे वैसे करना है। आपको 9-10 सेकंड की, 11 सेकंड की शॉर्ट वीडियोस बनानी है, ज्यादातर 11 सेकंड की बनाना, क्योंकि मैंने भी 11 सेकंड की ही बनाई थी, लेकिन मैंने गलती करी थी, मैंने अपनी फेस वैल्यू नहीं बनाई, इसलिए लोग बाग सही तरीके से जान नहीं पा रहे मुझे। और लोगों को क्या करना है, आप लोगों को शुरुआत से अपनी फेस वैल्यू बनाते हुए चलना, तो इससे ये होगा आप लोगों को लोग बाग जानने लग जाएंगे और आपके चैनल को याद रखेंगे। और आपको अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लोगों को देना है, जिससे लोग बाग आपकी वीडियो को देखे और पूरा वॉच करके जाए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।